गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ नीलम कुमार फ्रॉम सतन प्राइवेट ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बताया था, तो आज जो है उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि हम लोग को क्वेश्चन कुछ समझ में आना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं लगे पढ़ रहे हैं, उसका यूज क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा देखिए छोटा छोटा चीज देखिएगा। इन 25 के VA चूंकि ये ट्रांसफार्मर का है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर जो है 25 के VA का है। तो आप लोग को हम बताए थे कि ट्रांसफार्मर 50 के VA, 100 के VA, 25 के VA, 5 के VA, 10 के VA सबका रहता है, MVA का भी रहता है। तो यहाँ 25 के VA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। मतलब क्या है, एक फेज और एक न्यूट्रल है। अब देखिए इसका रेटिंग क्या दिया हुआ है, 3300/230 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, इनपुट या प्राइमरी वोल्ट जो है, इनपुट साइड जो है 3300 वोल्ट है और आउटपुट साइड जो है 230 वोल्ट है। मतलब 3300 को ये क्या कर रहा है, 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। 3300 को क्या कर रहा है, 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। 230 वोल्ट आपका कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज बदलता है, ठीक है। द आयरन लॉस, आयरन एंड फुल लोड कॉपर लॉस रिस्पेक्टिवली 300 वाट और 400 वाट है। मतलब क्या हुआ कि आयरन लॉस आपका 300 वाट है और कॉपर लॉस जो है 400 वाट है। पहले देखिए क्या है, मेरे पास दिया हुआ 25 के VA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आयरन लॉस जो है, आयरन लॉस इसको FL लिखते हैं, फुल लोड आयरन लॉस, फुल लोड आयरन लॉस आपका 300 वाट है, ठीक है। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस जो दिया हुआ है फुल लोड में आपका कितना है, 400 वाट है कॉपर लॉस, आयरन लॉस 300 वाट है, 300 और 400 वाट हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ एम जो एम का ये जो निकालते हैं, इसका मतलब होता है इफिशियंसी ऑफ हाफ लोड। अब ये फुल लोड का बात है, तो अब चलिए एट हाफ लोड, आधा लोड में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये हाफ लोड है, तो आपका केवीए कितना हो जाएगा, हाफ लोड में पावर फैक्टर आपको दिया हुआ है 0.8। अब देखिए हाफ लोड में मेरा क्या हो जाएगा, केवीए भी आधा हो जाएगा, तो केवीए आधा हो जाएगा, यानी कि 25/2, यानी कि 12.5 केवीए। केवीए मेरा ट्रांसफार्मर का केवीए घट गया। अब देखिए आयरन लॉस क्या होगा, आयरन लॉस हाफ लोड में कितना होगा। आपको शुरू से हम बताए थे कि आयरन लॉस हमारा कॉन्स्टेंट लॉस है, इसलिए जैसा है हाफ लोड, फुल लोड, नो लोड, सब में आयरन लॉस कांस्टेंट रहेगा। तो आयरन लॉस हमारा कितना हो जाएगा, 300 वाट। अब देखिए कॉपर लॉस, कॉपर
लॉस। कॉपर लॉस हाफ लोड में क्या होगा? कॉपर लॉस हाफ लोड में क्या होगा? मैंने बताया था कि कॉपर लॉस का जो होता है जितना लोड है उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे हाफ है, हाफ का स्क्वायर गुना फुल लोड, मैंने आपको बताया था 400, यानी कि कॉपर लॉस हमारा हो गया 100 वाट। 1/4 × 400 = 100। तो टोटल लॉस कितना हो गया? टोटल लॉस आपका हो गया 300 + 100, यानी कि 400 वाट। तो इसको लिख सकते हैं 0.04 किलोवाट। अब देखिए हमारा जो दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना है? 12.5 KVA। लेकिन हमको पावर फैक्टर भी दिया हुआ है। यह पावर फैक्टर जब दिया हुआ है तो पावर फैक्टर में जो दिया हुआ है तो यहां क्या लिखेंगे? आउटपुट इसको लिख सकते हैं आउटपुट एट हाफ लोड। आउटपुट एट हाफ लोड क्या होगा? आउटपुट एट हाफ लोड होगा 12.5 × पावर फैक्टर जितना है वो तो हम आपको बताए थे गुना करना है, यानी कि 10 किलोवाट। अब देखिए इफिशियंसी बराबर आपको क्या बताए थे? आउटपुट बटे इनपुट, यानी कि आउटपुट बटे इनपुट को लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉस लिखे। तो अब देखिए आउटपुट हमारा 10 है और इनपुट कितना है? 10 + 0.4, यानी कि 10 बटे 10.4 बराबर हो गया 96.15%। 96.15% हो गया इफिशियंसी। अरे होगा ये 9.96, लेकिन परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना किए हैं। 100 से गुना इसलिए किए हैं क्योंकि परसेंट 100 का रहता है, इसलिए 100 से गुना किए हैं, ठीक है? अब फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, अब अगला क्वेश्चन क्या है? ये 2 नंबर और ये 1 नंबर। फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी में क्या है? देखिए फुल लोड के भी ए गुना रूट अंडर फुल लोड के भी ए गुना फुल लोड आयरन लॉस, लॉस आयरन बटे कॉपर लॉस, आयरन लॉस बटे कॉपर लॉस। देखिए आपका जो है फुल लोड के भी ए का जो है इतना के भी ए में मैक्सिमम होगा। फुल लोड के भी ए है 25 के भी ए गुना आयरन लॉस है आपका कितना? 300 बटे कॉपर लॉस है आपका 400। तो ये कर गया तो क्या हो गया? 25 3/4 बराबर क्या हो गया? 25 × √3/4 = 2। अब देखिए
25 गुना 1.732 बटे 2। अब देखिए 25 दूनी 50 5 25 दिया 75 और 5 80 8 8 हुआ 25 सत्ते हो गया 175 175 और 8 183 बचा हाथ में 18 25 से कम 25 25 से कम 25 और 18 हो गया 25 और 18 43 बटे 2 यानी कि 43.3 बटे 2। इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 2 एक 2 2 छः 12 2 पंचे 10 21.65 के भी है 21.65 के भी है। लोड एट विच इफिशियंसी इज मैक्सिमम 21.65 के भी हो गया। और यदि हाफ लोड रहता है तो मेरा इफिशियंसी क्या हो जाएगा 96.15। इस टाइप का जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है आपको सब चीज बताए थे, थोड़ा थोड़ा बताए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है सारा चीज एक साथ मिला के बनाए हैं। यहाँ लॉस आयरन के जगह आप लिख सकते हैं आयरन लॉस लिख दीजिए, ये सब कोई मैटर नहीं करता है। अब जो इच्छा आयरन लॉस, आयरन लॉस बटे कॉपर लॉस। खाली याद रखिएगा मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम इफिशियंसी में लोड का फॉर्मूला होता है फुल लोड के VA गुना अंडर रूट आयरन लॉस बटे कॉपर लॉस। तो आज के क्लास में इतना ही, छोटा छोटा प्रॉब्लम आप लोग देखिएगा अपने से बनाइएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू।